भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लीगल जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुल वीर सिंह और एडीएम राजेश राजा ने संयुक्त रूप से जागरूकता कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। आयोजन के दौरान 30 से 40 लाभुकों को बुलाया गया। वहीं आम लोगों के बीच आने वाली कठिनाइयों से किस प्रकार से सामना किया जाए और इसका हल कैसे निकाला जाए, इसकी जानकारी दी गई। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया, जिसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी, एडीएम, सीडीपीओ सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और इसमें हर राज्य के विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका के तहत उनके निर्देशानुसार हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया गया है कि वो भारत सरकार की जुड़ी योजनाओं और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, डोर टू डोर कैंपेन करें और लोगों को जागरूक करें। कुल मिला के हमारा ये जो कार्यक्रम है वो लोगों को जागरूक करने से ही संबंधित है, क्योंकि जागरूकता ही जानकारी है और वही असली अस्त्र है लड़ने का गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी और अन्य प्रकार के जो बुराइयां हैं समाज में। तो ये 2 अक्टूबर से शुरू हुआ प्रोग्राम अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में आज हमारे यहाँ जो है ये मेगा लीगल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिला प्रशासन का सहयोग लिया गया है। हमारे बगल ये आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर साहब हैं मुख्य जी, और ये मैडम है, और ICDS से जुड़ी हुई सुपरवाइजर मैडम और CDPO मैडम भी आई हुए हैं। हर विभाग के लोग यहाँ आए हुए हैं, उद्योग विभाग के हैं, श्रम विभाग के हैं, कृषि विभाग के आए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे बेनिफिशियरीज को लाया गया है अलग अलग प्रखंडों से चुन करके, जिनको सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है उनको कितने बेनिफिशियरी आज हमने करीबी 30-40 बेनिफिशियरीज को बुलाया है, जिनको कुछ जो जिला प्रशासन की सहयोग की उनको तमाम आज जो है लाभ दिया भी गया है। भागलपुर के बबरगंज थाना में जिलाधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक नितासा गुड़िया के निर्देश पर देसी एवं विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिले के कुल 16 थानों में जब्त की गई 1600 लीटर देसी एवं विदेशी शराब को मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष नष्ट किया गया। शहरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के थानों सहित रेल थाना में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। विनिष्टीकरण के दौरान जगदीशपुर CEO और एक्साइज इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह मौजूद थे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी टोला सोनूचक अंतर्गत अराजी कनकैथी मिल की गांव में 22 वर्षीय युवती सीसा कुमारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर दोपहर लड़की के घर वालों को पता चला कि लड़की घर में नहीं है। उसके बाद पता चला कि वो घर में ही है और किवाड़ अंदर से बंद है। बाद में पता चला कि उसने अपनी लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद परिजन दीवार काट कर अंदर गए और दरवाजा खोलकर सबको बाहर निकाला। सूत्रों से पता चल रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। वहीं लड़की की मां ने बताया कि मेरी एक बेटी की शादी इसी गांव में सुभाष मंडल के साथ हुआ था, जो कि विकलांग है। उसी के घर हमारी छोटी बेटी आती जाती थी। उसका देवर आया था, उसने इसे बुलाया था। उससे और मेरी बेटी के नद में कुछ अनबन हुआ और सीसा कुमारी ने अपनी जीवन समाप्त कर ली। मौके पर जगदीशपुर पुलिस पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। पार्ट 1 का परीक्षा दिया है, कल परसों भी एकदम कैसे घटना कैसे हो? घटना सिर्फ यही आरोप लगा दिया हुआ, उसके यहाँ बहन है, मेरी बेटी है, किसके है? अनोरी मंडल के यहाँ। ठीक, तो वहाँ जाती आती थी, विकलांग है। कौन? मेरी बेटी। ये विकलांग थी? वह विकलांग थी, जिसका शादी हुई है, जिसका छोटी बहन था, तो वह जाकर के उसे कर उड़ देती थी। उसका देवर आया था तो वही बोला कि सीसा अब तो हम कल चले जाएंगे, कम से कम मुँह से बोल तो लो। बाहर में रही थी, तो बाहर ने गेलो ले गेले थोड़ा सा बहन चढ़ ले, ओकरो बहन चढ़ ले, मैं गाड़ी उड़ी। कैसे पता चला? फिर पता चला कि वही फिर आ गई दोहरा करके कि मेरा बेटा भी नहीं है, तुम्हारी बेटी कहाँ है, लेकर के साथ भाग तो नहीं गया, उसको बुलाओ कहाँ है। तो जो मेरी बेटी बिहार वाली है, तो वह बोली कि नहीं मेरी बहन घर में है, लेकिन बुलाओ तो वही वही उसी का पोती को भेजा जो मेरी नतनी हुआ, कि देखो तो मौसी है घर में, तो वो घर में तब तक मैं लगा लेती। गेट खुला कैसे? गेट खुला वो ऐसे तोड़ा दीवार को, तब उसे अंदर आदमी जा करके तब गेट खोला। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान समाप्त हो गया। प्रचार के अंतिम दिन सारथ डहरपुर से मुखिया प्रत्याशी रंजना भारती ने अपने समर्थकों और निवेदक
पूर्व जिला परिषद गोपाल यादव के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज की रैली में हजारों की संख्या में रंजना भारती के समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वहीं जनता का मिल रहे अपार समर्थन से मुखिया प्रत्याशी रंजना भारती और निवेदक पूर्व जिला परिषद गोपाल यादव अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। मैदान में कुल 6 मुखिया प्रत्याशी के रूप में है। आप किस मुद्दा को लेकर आए? मुद्दा मैंने विकास का मुद्दा है और उस विकास के मुद्दा के अंतर्गत में सबसे पहला जो कि सरकार की ओर से जल नल की योजना है जो कि बर्बादी के कगार पर मेरे पंचायत में कर दिया है और सड़क पर पानी बह रहा है, उसके नाला की व्यवस्था सबसे प्रथम करना होगा। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त करना होगा। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छा हद तक है और जो कि मैं विपक्ष में रह के भी बिजली का कार्य अपने से चढ़ बढ़ के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा करवाया है और साथ ही इसके बाद शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो चुका है। मेरे पंचायत में खासकर ऐसे भी शिक्षक हैं जो पढ़ाने नहीं जाते हैं और वह वेतन उठाते हैं, ये आश्चर्य की बात है। उस व्यवस्था को मैं सुदृढ़ करके छोड़ूंगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर कहीं पर भी पंचायत में लचर फचर है उसमें जनमत का संग्रह करके और जो सही है वह कराऊंगा। जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? जनता का तो जन समर्थन आप खुद देख रहे हैं। बिहार सरकार की गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव की मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार व माउंट लिट्रा जी स्कूल के तहत आंख व दांत जांच शिविर लगाया गया। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इजहार, डॉक्टर अभिषेक, पीयूष कुमार व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नैनी रानी अग्रवाल ने सभी बच्चों के आंख व दांत की जांच की। साथ ही आंख व दांत के रोगों से बचने के उपाय भी बच्चों को बताए। स्कूल के निदेशक व लेट्स इंस्पायर बिहार भागलपुर चैप्टर के गौतम कुमार, अंकित सिंह, पूर्णेंदु चौधरी समेत कई सदस्य व शिक्षक मौजूद थे। बता दें कि विकास वैभव की मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार युवाओं को एक धागे में पिरोने का काम कर रही है, साथ ही साथ सभी जिले के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज माउंट लिट्रा स्कूल एंड लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड यहां पे डेंटल और आई चेकअप सारे बच्चों का स्कूल का ऑर्गेनाइज किया गया है। यह व्यवस्था लेट्स इंस्पायर बिहार और माउंट लिट्रा के द्वारा जो किया गया है ये अपने में एक बहुत ही शोभनीय और बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। इस कार्यक्रम में हमारे जो डॉक्टर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस समय निकाल कर मूल्यवान समय निकाल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों का हाथ जोड़ा है और आगे भी हम लोग इस जैसे कैंप लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा आगे जो भी कैंप्स हैं उस अलग अलग स्कूल में और एक बड़े पैमाने पे हम लोग कैंप आने वाले 2-3 महीने में लगाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है, मैं शिवनारायण मेडिकल डेंटल क्लिनिक भागलपुर से पेरियोडोंटिस्ट हूँ, पायरिया रोग विशेषज्ञ। बच्चों की जो हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं तो ज़्यादातर उनमें कैविटीज़ जो दांत के कीड़े होते हैं वो बहुत मिल रहे हैं। बच्चों में अक्सर क्या होता है कि वो लोग टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ी खाने के बाद ब्रश सही से करते नहीं हैं, दांतों की सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस कारण से कैविटीज़ बहुत बच्चों में पाई जा रही है और बच्चों को पता भी नहीं कि उनको कैविटीज़ हो रहा है। जब दर्द होता है तब बच्चे बताते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो वही हम लोग चेकअप कर रहे हैं कि किन बच्चों में कैविटीज़ हैं, किन बच्चों को जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस मतलब मसूड़े के रोग हैं, बच्चों में टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग जो है बच्चों में देख रहे हैं और उसी हिसाब से उनको एडवाइस कर रहे हैं। भागलपुर के कचहरी चौक पर कांग्रेस इंटक प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस इंटक एवं शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आज़ादी पर दिए गए बयान पर तस्वीर की प्रतियां जलाते हुए देश के स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों व शहीदों से माफी मांगने की मांग उठाई। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कंगना रनौत के इस बयान से साफ होता है कि उन्हें योग्यता के आधार पर पद्मश्री नहीं मिला है। मोदी सरकार ने मानसिक रूप से बीमार कंगना रनौत को पद्मश्री देकर जनतंत्र, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बल्कि देश को आजादी दिलाने वाले विभूतियों का अपमान किया है। कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आखिर किस योग्यता के तहत कंगना रनौत को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया और ये पद्मश्री पुरस्कार का क्या सम्मान हुआ जो हमारे देश में देश की आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू,
अनेक भगत सिंह से लेकर लोगों ने अपनी कुर्बानी और खून की नदियां बहाई और अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उसको कंगना रनावत ने कलंकित करने का काम किया, घृणा करने का काम किया, देश को पाप में ढोने का काम किया।